आज हम डिस्कस करेंगे अधिकतम कार्य तथा उत्क्रमणीयता, मैक्सिमम वर्क एंड रिव्यूसिबिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं, प्रसार कार्य, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, ये दाब के विरुद्ध किया जाता है, क्योंकि कार्य हमेशा प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होता है। दूसरा कि आयतन में वृद्धि जो होती है वो प्रसार कहलाता है। और हम ये भी जानते हैं कि प्रसार कार्य हमेशा दाब के विरुद्ध किया जाता है, और ये दाब भी बाह्य दाब जो प्रेशर अप्लाइड है उसके विरुद्ध किया जाता है। यानी प्रसार कार्य प्रतिरोधी दाब, जिसको अपन ने डिनोट किया है PSA, प्रसार कार्य प्रतिरोधी दाब के ऊपर निर्भर करता है, न कि गैस के खुद के दाब P पर। यानी प्रसार कार्य हमेशा प्रतिरोधी दाब पर निर्भर करेगा। यदि प्रतिरोधी दाब PA का मान शून्य है, तो यानी प्रतिरोधी दाब हमने नहीं लगाया, इसका मान शून्य है, तो प्रसार कार्य भी शून्य होगा। जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि ये हमारे पास कोई पात्र है, या सिलेंडर की कल्पना कर लेते हैं, उसमें कोई गैस भरी हुई है, और यहाँ एक भारहीन घर्षणहीन पिस्टन लगा हुआ है। ये भरी हुई गैस का दाब PA है, और ये जो अपन पिस्टन के ऊपर दाब डाल रहे हैं, जो कि गैस के ऊपर दाब लग रहा है, वो है PA। अब यदि PA का मान जीरो कर दिया जाए, तो प्रसार कार्य शून्य होगा। यदि PA के मान को, मान लीजिए पहले शून्य था, और PA के मान को अपन धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, तो प्रसार कार्य होता जाएगा। और जब PA के मान को हम शून्य से चल रहे थे, शून्य पर प्रसार कार्य का मान शून्य था, जब PA शून्य था तो प्रसार कार्य शून्य था, और अब हमने बाह्य दाब प्रतिरोधी दाब को थोड़ा सा लगाया, यानी शून्य से अधिक किया, तो प्रसार कार्य होगा। मानेंगे कि गैस का आयतन जो है वो बढ़ा और प्रसार कार्य हुआ, तो PA के मान को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, कार्य भी बढ़ता जाएगा। और एक स्थिति मान लीजिए PA को बढ़ाते बढ़ाते हम इस स्थिति पर पहुंच जाएं कि PA बराबर P हो जाए, यानी प्रतिरोधी दाब गैस के दाब P के बराबर हो जाए, तो आयतन परिवर्तन जो होगा वो शून्य होगा, और आयतन परिवर्तन शून्य होने के कारण यह कार्य का मान भी शून्य होगा। और अब यदि हम PA को, जो प्रेशर अप्लाइड है, उसको गैस के दाब P की तुलना में बढ़ा देते हैं, तो गैस का संपीड़न हो जाएगा, और इस स्थिति में होने वाला कार्य संपीड़न कार्य कहलाएगा। इस पूरे विवेचन से स्पष्ट है कि प्रसार कार्य तब भी होगा जब प्रतिरोधी दाब प्रेशर अप्लाइड इस इन्फाइनिटिसिमल स्मॉल इन कंपेरिजन टू प्रेशर ऑफ गैस, यानी बाह्य दाब या जो प्रतिरोधी दाब है उसका मान गैस के दाब की तुलना में अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम रहेगा, तभी प्रसार कार्य होगा। यानी प्रसार कार्य के लिए शर्त ये हुई कि प्रतिरोधी दाब का मान जो है, ये जो प्रेशर अप्लाइड है, वो गैस के दाब P से हमेशा अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम होना चाहिए। यदि इस शर्त का पालन होता है तो हमेशा प्रसार कार्य होगा। और हम जानते हैं कि जब गैस का दाब वो यानी प्रतिरोधी दाब को हमने गैस के दाब की तुलना में अन्य सूक्ष्म मात्रा में कम रखा है, तब तो प्रसार है, और प्रतिरोधी दाब को हमने गैस के दाब की तुलना में बढ़ा दिया तो वो संपीड़न कार्य है। यदि हम प्रसार कार्य के बारे में चर्चा करें, तो ये हम समझ पाए कि प्रसार कार्य तभी होगा जब प्रतिरोधी दाब का मान गैस के दाब P की तुलना में, जो गैस दाब डाल रही है उसकी तुलना में अन्य सूक्ष्म मात्रा में कम रहे। और जब अन्य सूक्ष्म मात्रा में कम है, तो हम जानते हैं कि ये उत्क्रमणीयता के भी शर्त है। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रतिरोधी दाब गैस के दाब की तुलना में अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम रहेगा, तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। तो इसको मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये प्रसार कार्य जो है वो उत्क्रमणीय कार्य है। दूसरा, अपन ये भी जानते हैं
कि उत्क्रमणीय प्रक्रमों से, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम हुआ और उत्क्रमणीय प्रक्रमों से किया गया कार्य अधिकतम कार्य होता है, यानी अधिकतम कार्य हम केवल उत्क्रमणीय प्रक्रमों से ही प्राप्त कर सकते हैं। कार्य के लिए हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि जो कार्य होता है जब तंत्र प्रत्यक्ष पर कार्य करता है तो ये चिन्ह ऋणात्मक होता है, और प्रसार कार्य के लिए अपन ने ये देखा था कि अपन ने ये डेराइव किया था एक्सप्रेशन कि पी डी वी इंटीग्रल फ्रॉम वी वन टू वी टू, ये प्रसार कार्य का व्यंजक है। चूँकि प्रसार कार्य ये हमने उत्क्रमणीयता की स्थिति में किया है और उत्क्रमणीयता की स्थिति में अधिकतम कार्य होता है, इसलिए इसी को मान सकते हैं कि जो कार्य का व्यंजक है यही प्रसार कार्य का जो व्यंजक है वही अधिकतम कार्य का व्यंजक होगा। और चूंकि ये अधिकतम कार्य उत्क्रमणीयता की स्थिति में ही प्राप्त किया जा सकता है तो इसको मैं डब्लू रिवर्सिबल भी कह सकता हूँ, यानी डब्लू रिवर्सिबल उत्क्रमणीय कार्य है और उत्क्रमणीय परिस्थिति में कार्य प्रसार कार्य प्राप्त किया है इसलिए ये अधिकतम कार्य भी है। तो हम कह सकते हैं कि उत्क्रमणीयता की स्थिति में प्राप्त कार्य अधिकतम कार्य होता है और उसको हम इस व्यंजक से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी ये अधिकतम प्रसार कार्य का व्यंजक है। अब अधिकतम प्रसार कार्य की गणना करने के लिए हमें, क्योंकि यहाँ P है और हमारे पास सीमाएं जो है वो आयतन की है तो हम समाकलित आयतन को कर सकते हैं, तो P को मैं ज्ञात समीकरणों की सहायता से V के पदों में कन्वर्ट करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक मोल आदर्श गैस भरी हुई है उस पात्र में, तो मैं ले सकता हूँ PV इक्वल्स NRT, और अब मुझे P को रिप्लेस करना है आयतन के पदों में, तो मैं लिख सकता हूँ P will be equal to NRT upon V। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन वन कर देता हूँ, इसको इक्वेशन टू कर देता हूँ, और इक्वेशन टू से P का मान इक्वेशन वन में रखें तो हमारे पास हम लिख सकते हैं कि W reversible that is equal to W maximum and that will be equal to minus, इसलिए कि तंत्र प्रतिवेश पर कार्य कर रहा है और IUPAC के अनुसार जब तंत्र प्रतिवेश पर कार्य करता है तो ये ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस का साइन है। और दिस इज इंटीग्रल फ्रॉम V1 टू V2, प्रारंभिक आयतन V1 है, अंतिम आयतन V2 है, और ये प्रसार कार्य है जिसका मतलब यहाँ V2 जो है वो V1 से ज़्यादा है, और P की जगह मैं समीकरण दो से मान रख देता हूँ NRT अपॉन वी डॉट डी वी। चूँकि हमने निश्चित मात्रा में गैस भरी है पात्र में इसलिए मोलों की संख्या स्थिर रहेगी, R गैस स्थिरांक है और ताप स्थिर है, तो हम ये तीनों राशियाँ स्थिर हो गई, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि W रिवर्सिबल दैट इज इक्वल टू W मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू माइनस, और ये कांस्टेंट होने के कारण इनको मैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन से इसको बाहर ले लेता हूँ, NRT इंटीग्रल ऑफ DV अपॉन V फ्रॉम V1 टू V2। और W रिवर्सिबल दैट इज इक्वल टू W मैक्सिमम यानी उत्क्रमणीय कार्य, ये वही उत्क्रमणीय कार्य अधिकतम कार्य विल बी इक्वल टू माइनस NRT, एंड वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ DV अपॉन V इज नेचुरल लॉग ऑफ V, तो अपन लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ V और लिमिट से फ्रॉम V1 टू V2, और वी कैन राइट इट एज W रिवर्सिबल दैट इज W मैक्सिमम इक्वल्स माइनस ऑफ NRT नेचुरल लॉग ऑफ, एक बार अपर लिमिट को रखेंगे उसमें से लोअर लिमिट V1 रखते हुए घटाएंगे, तो
that will be equal to natural log of V2 minus natural log of V1, and we know log m minus log n equals log m upon n. तो मैं सीधा इसको लिख सकता हूँ natural log of V2 by V1. और W reversible equals W maximum. इस natural log को अपन log to the base 10 में convert करें तो मैं लिख सकता हूँ minus 2.303 NRT natural, that is log to the base 10 log V2 by V1. This is equation number 3. और ये equation number 3 हमें उत्क्रमणीय परिस्थितियों में प्राप्त कार्य जो कि अधिकतम कार्य है उसका व्यंजक दे रहा है. और चूंकि हमारे पास V1 और V2 ज्ञात है, n का मान ज्ञात है, r कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो भी हमने रखा कांस्टेंट रखा उसका मान ज्ञात है, तो इस समीकरण में यदि हम V1 और V2 के मान रखेंगे तो गैस का V1 से V2 तक प्रसार होने में जो उत्क्रमणीय परिस्थितियों में प्रसार हुआ कितना कार्य प्राप्त हुआ है और वो कार्य अधिकतम कार्य होगा ये उसका व्यंजक आ जाएगा. इस अधिकतम प्रसार कार्य की गणना हम ग्राफ की सहायता से भी कर सकते हैं. ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है. मान लीजिए इनिशियली हमारे पास यहाँ प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, और अब हम चलते हैं ये अंतिम स्थिति का आयतन है, अधिक आयतन है. यहाँ हमारे पास वेरिएबल्स थे P1 V1 यानी गैस का दाब P1, आयतन V1, और हम इस स्थिति की अंतिम अवस्था तक पहुँचे हैं. यहाँ दाब घट करके हो गया P2, आयतन बढ़ करके हो गया V2, V1 से V2 बड़ा है इसका मतलब प्रसार हुआ है. और ये जो वक्र आया है इस वक्र के नीचे का ये जो छायांकित भाग है शेडेड पोर्शन है इसका क्षेत्रफल जो होगा वो भी इस अधिकतम प्रसार कार्य या उत्क्रमणीय कार्य का मान देगा. यानी इस वक्र की सहायता से भी ये जो ग्राफ आपने खींचा इसमें जो वक्र प्राप्त हुआ है इस कर्व के नीचे का ये जो शेडेड पोर्शन है छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल भी इस उत्क्रमणीय कार्य या अधिकतम कार्य के बराबर होगा. अब यदि हम प्रतिरोधी दाब को गैस के दाब पीए को गैस के दाब पी से बढ़ा देते हैं तो आयतन में कमी होगी यानी इस स्थिति में संपीड़न होगा. और मान लीजिए जो दाब बढ़ाया है वो भी हमने अनंत सूक्ष्म मात्रा में इन्फ्लेशन बढ़ाया है तो ये भी उत्क्रमणीय परिस्थिति में होगा लेकिन ये संपीड़न होगा. और संपीड़न की स्थिति में चूंकि अंतिम आयतन जो होता है वो प्रारंभिक आयतन की तुलना में कम होता है. मान लीजिए हम अंतिम आयतन को V2 ही रखें, प्रारंभिक आयतन को V1 ही रखें, तो यदि संपीड़न की स्थिति हो तो उस स्थिति में V2 जो अंतिम अवस्था का आयतन है वो प्रारंभिक अवस्था का आयतन V1 की तुलना में कम होगा यानी संपीड़न होगा. और यदि V2 का मान V1 से कम हो तो इस समीकरण में जब हम लोग का मान ज्ञात करेंगे तो ये राशि ऋणात्मक आएगी. ऋणात्मक होने के कारण माइनस माइनस प्लस यानी उस स्थिति में मेरे पास समीकरण आ जाएगा W. अब चूंकि अधिकतम कार्य उत्क्रमणीयता की परिस्थिति में ही किया जा सकता है और संपीड़न कार्य जो है वो उसका उल्टा है तो क्योंकि ये उत्क्रमणीयता की स्थिति में अपन ने जो कार्य किया था वो W मैक्सिमम अधिकतम था तो इसको मैं न्यूनतम कार्य कहूँगा यानी संपीड़न कार्य के लिए मैं लिखूँगा न्यूनतम कार्य W मिनिमम. और यहाँ प्रसार कार्य में तो V2 का मान V1 से बड़ा होता है लेकिन संपीड़न कार्य में V2 जो होता है V1 की तुलना में कम होता है तो उस स्थिति में इसका मान ऋणात्मक और ये पहले से मेरे पास माइनस साइन है माइनस माइनस प्लस तो मैं लिख दूंगा इट विल बी इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग टू द बेस 10 एल ओ जी इज लॉग टू द बेस 10 एंड एल एन इज लॉग नेचर लॉग दैट इज लॉग टू द बेस ई वी टू बाई वी वन. ये
न्यूनतम कार्य होगा और ये संपीड़न कार्य, इसलिए मैं कहूँगा कि ये न्यूनतम संपीड़न कार्य है और ये अधिकतम प्रसार कार्य है, और इसकी गणना भी हम इसी वक्र से कर सकते हैं। यहाँ भी बस स्थिति ये होगी कि यहाँ संपीड़न में हम लोगों को ये चलना पड़ेगा कि V2 इज लेस देन V1, तो ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो न्यूनतम संपीड़न कार्य को भी दर्शाता है। ये समीकरण अधिकतम प्रसार कार्य के लिए है, ये न्यूनतम संपीड़न कार्य के लिए है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि दोनों के मान ये समीकरण से, तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्क्रमणीय परिस्थितियों में प्राप्त अधिकतम कार्य किसी परक्रम को उत्क्रमित करने के लिए न्यूनतम संपीड़न कार्य होगा, या मैं कह सकता हूँ कि न्यूनतम संपीड़न कार्य जो होता है वो इस अधिकतम प्रसार कार्य के बराबर ही होता है, लेकिन ये उसकी परिस्थिति को उत्क्रमित कर सकता है, यानी अधिकतम प्रसार कार्य से प्राप्त ऊर्जा किसी परक्रम को उत्क्रमित करने के लिए न्यूनतम संपीड़न कार्य के बराबर होगी। और यहाँ V2/V1 अपने पास समीकरण में आया है, तो हम जानते हैं कि स्थिर ताप पर हम बॉयल के नियम से जानते हैं कि V इक्वल्स कॉन्स्टेंट, और मैं लिख सकता हूँ P1V1 इक्वल्स P2V2, और वी कैन राइट P1/P2 इक्वल्स V2/V1, यानी हमारे पास दाब की सीमाएं हो तो मैं दाब का उपयोग कर सकता हूं, और उस स्थिति में इस V2/V1 की जगह मुझे लिखना पड़ेगा P1/P2, और ये समीकरण बन जाएगा न्यूनतम संपीड़न कार्य के लिए। और यहाँ भी मुझे V2/V1 की जगह लिखना पड़ेगा P1/P2, और ये हो जाएगा अधिकतम प्रसार कार्य, यानी ये दाब के पदों में है अधिकतम प्रसार कार्य, और ये है दाब के पदों में न्यूनतम संपीड़न कार्य। और यदि P1/P2 की जगह मैं V2/V1 लिख दूंगा तो ये भी न्यूनतम संपीड़न कार्य रहेगा और ये अधिकतम प्रसार कार्य होगा, लेकिन वो आयतन के पदों में होगा और ये दाब के पदों में है। तो इससे अपन ये समझ पाए कि जो अधिकतम प्रसार कार्य है वो केवल उत्क्रमणीयता की स्थिति में ही प्राप्त किया जा सकता है, और अधिकतम प्रसार कार्य से प्राप्त ऊर्जा किसी परक्रम को उत्क्रमित करने के लिए न्यूनतम संपीड़न कार्य के बराबर होगी। धन्यवाद।